हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ इंडियन राइडर सनी। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। पूरा एक महीना हो चुका है हमें कोई ट्रिप करे हुए, तो सोचा एक छोटी सी आउटिंग कर ली जाए, दो दिन के लिए कहीं जाया जाए। तो काफ़ी सोचा गया, मैंने सोचा शिमला चल लेते हैं, शिमला के बाद कुफरी का भी डिसाइड हुआ। फिर लास्ट में एक दिमाग में बात आई कि क्यों ना कैंपिंग की जाए, बड़े दिन हो गए कैंपिंग करे हुए। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि वापस उत्तराखंड ही चलते हैं। और आज हम ऋषिकेश जा रहे हैं। सुबह 4 बजे हम निकले थे और अभी सुबह के मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। हरिद्वार में हमने सोचा थोड़ा स्नैक्स लेते हैं, चाय वाय पीते हैं और उसके बाद निकलेंगे हम वापस ऋषिकेश के लिए। अराउंड 1 घंटे का यहाँ से रास्ता है और दिखाएंगे आपको कौन से कैंप में हमने स्टे किया, क्या क्या खर्चा हुआ, हमने कैसे एंजॉय किया। इसके अलावा हम सारी ये भी बात करेंगे कि आप क्या चीज़ें वहाँ पर कर सकते हैं 2 दिन के अंदर। ठीक है, जो जो चीज़ें मैं करूँगा मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ। इसके अलावा अभी हम सोच रहे हैं कि राफ्टिंग भी की जाए। अब की बार राफ्टिंग मैंने लास्ट टाइम की थी 2021 में, तो लगभग 2 साल हो चुके हैं राफ्टिंग किए हुए। तो सोचा जा रहा है कि एक बार और दोबारा ट्राई करते हैं ज़रा राफ्टिंग करके, अगर स्टार्ट होगी तो ज़रूर करेंगे। और मैं बस ये बताना चाहूँगा आपको कि कभी जब भी मन करे ना निकल जाया करो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कि अगर आप सोचते रहोगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जो मन कहे वो करो, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, समझे। सो अभी फ़िलहाल आपको हरिद्वार में हम चाय पी के फिर निकलेंगे ऋषिकेश के लिए यहाँ से। तो आपको दिखाते रहेंगे आगे क्या क्या करते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। तो फिलहाल हम आ पहुँचे हैं पवन चट्टी, जो कि अपना ऋषिकेश से थोड़ा सा दूर पड़ता है। और ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और पूरी एक वैली की तरह हम देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया है। और अभी हम एक रिज़ॉर्ट के अंदर रुके हैं और जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर लोकेलिटी। आप एक बार दोबारा देखिए, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ऐसे पूरा माउंटेंस के अंदर ये इनका ग्राउंड है ओपन। और उसके अलावा आप देखिए, आपको यहाँ पर कैंपिंग फैसिलिटी भी मिलती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर। मतलब कई जगह अगर आप शिवपुरी में कैंपिंग करोगे तो आपको कूलर्स वगैरह कुछ नहीं देते हैं वो। मतलब अकॉर्डिंग टू मी कैंप तो ऐसा होता है कि आपको कुछ फैसिलिटी ना मिले, बट ऋषिकेश के अंदर जो कैंप्स अवेलेबल है उनमें कुछ ना कुछ फैसिलिटी होती है। तो यहाँ पर आप ये देखिए इनके कैसे कैंप्स हैं। तो ऐसा आपको ये कपल रूम मिल सकता है और ये इनका वॉशरूम है कैंप के अंदर। तो इतने सुंदर सुंदर यहाँ पर इन्होंने कैंप बना रखे हैं। ये कैंप्स जो है 2 लोगों के लिए भी, कपल साइज भी है इनके पास, क्वाड कैंप भी है। और सबसे बढ़िया मेरे को चीज़ कूलर लगी, क्या और कहीं किसी जगह कूलर नहीं मिलता है कैंप में। काफ़ी सुंदर ये रिज़ॉर्ट है, लेकिन हमने अब की बार जो है ना सोचा कैंप लेके क्या ही करेंगे, दोबारा हम रिज़ॉर्ट के लिए गए। तो अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ कौन सी सेक्शन में हमने चेक इन किया है। पूरा आप एक राउंड लीजिए इस जगह का। तो यहाँ पर जो है हमारे कैंप्स ख़त्म हो जाते हैं और कैंप्स ख़त्म होने के बाद जो आता है वो है हमारे रिज़ॉर्ट स्टार्ट होते हैं यहाँ से। और रिज़ॉर्ट्स भी काफ़ी सुंदर बने हुए हैं यहाँ पर, कई सारे रिज़ॉर्ट्स हैं। अब देखिए आप, ये ऐसे शुरू होते हैं। तो इस वाले रिज़ॉर्ट में हमने चेक इन किया है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, क्वाड सेट है ये, 2 रूम्स यहाँ पर है डिफरेंट, और मेरा जो रूम है वो ये वाला है। तो काफ़ी सुंदर बना है, लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर आपको ये सोफ़ा कम बेड भी मिलता है। तो अगर आप 4 लोग भी हैं तो 4 लोग भी इस रिज़ॉर्ट में ईजीली रह सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं AC भी है, जिसकी हमें मुझे लगता नहीं यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। और काफ़ी कोजी और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ में सर्च किया कि कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए, बजट फ्रेंडली भी हो और अच्छी भी हो, लेकिन कुछ या तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस थी या फिर अनहाइजीनिक थी, कि वहाँ पर स्मेल का इशू था, थोड़ा स्टाफ रूड था। मतलब मुझे लगता है यहाँ पर 90% लोग जो है वो चाहते ही नहीं है कि यहाँ पर गेस्ट आए, और उनका बोलने का बात करने का तरीका कुछ ऐसा है कि आपका मन ही नहीं करेगा कि आप उनकी प्रॉपर्टी में चेक इन करें। तो यहाँ पर जो रिसेप्शन पे थे लोग वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे, उन्होंने हमें अच्छे से बताया रूम्स के बारे में और इन सभी चीज़ों के बारे में बताया। और हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब हम इस जगह पर रहेंगे।
और कार भी कार पार्किंग भी यहाँ पर अवेलेबल है। और सबसे सुंदर ये है कि आप ये देखिए सामने आप माउंटेंस देखेंगे और पूरा ग्राउंड भी है। और अभी हमारा फ़िलहाल अभी हमारा लंच लग गया है क्योंकि रास्ते में हम थोड़ा लेट हो गए और ब्रेकफास्ट तो हमने सुबह कर ही लिया था, वो मैं दिखा नहीं पाया, माफ़ी चाहूँगा। तो लंच में हमें कुछ ये चीज़ें यहाँ से प्रोवाइड हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जीरा आलू है, जीरा राइस है, दाल है, सैलड है, रोटी है, मतलब एक परफेक्ट हेल्दी मील ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और टेस्ट कैसा है? अरे टेस्ट कैसा है? नाइस। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है जैसे कि आप सुन सकते हैं। तो मैं भी ज्वाइन करता हूँ इन्हें लंच करने के लिए, ठीक है, मिलते हैं आपसे। सो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं रिवर साइड पर, छोटी सी धारा यहाँ से बह रही है, दिखाते हैं आपको कैसी है। और पानी की आवाज़ सुन के तो मज़ा ही आ गया, ये देखिए यहाँ से रास्ता जा रहा है, यहाँ से नहीं काफ़ी सही है ये बहता हुआ पानी। अभी ज़रा पैंट वेंट फोल्ड करके चलते हैं पानी की तरफ ही। ये देखिए और यार सीरियसली ठंड नहीं लग रही है, स्टिल फीलिंग लाइक हॉट। तो अब थोड़ा पानी के मज़े लेंगे। ये देखिए ये बहते हुए रिवर है पूरी। तो ये गंगा नदी की कोई ना कोई एक सहायक धारा है जो आगे जाके अब नदी में मिलेगी और अपना कंट्रीब्यूशन देगी उस बड़ी नदी को बनाने में। इसी के किनारे हम बैठेंगे। तुम्ही तुम नहीं जगह की, जैसे कि आपने अभी देखा सॉन्ग्स चल रहे हैं बहुत अच्छे और काफ़ी मज़ा आ रहा है। फिलहाल रात में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइटिंग हो रखी है, मतलब आई एम एंजॉइंग हियर ये कह सकते हैं। और स्नैक्स में इन्होंने प्याज के पकौड़े खिलाए थे, सही थे वो भी काफ़ी। अब डिनर आएगा हमारा 10 बजे के आसपास खाएंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी उठ चुके हैं हम और उठने के बाद फ्रेश होके थोड़ा नहा के अब ब्रेकफास्ट खाने की तैयारी है। तो जाते हैं दिखाते हैं आपको इनके ब्रेकफास्ट बफे में क्या क्या होता है। तो देखिए सुबह का नज़ारा कैसा है, कितना सुंदर है। ये निष्ठु हमारी भागती हुई, यहाँ देखो। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लगता है पूरा आलू की सब्जी है ब्रेकफास्ट में, पोहा है एंड पूरी है। तो अभी खाना एंजॉय करते हैं। तो टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा है यहाँ का ब्रेकफास्ट। काफ़ी लाइट और मॉर्निंग के हिसाब से काफ़ी सही टेस्ट आ रहा है।
तो फिलहाल रेडी हो चुके हैं, देखिए हमने ले लिया चप्पू अपना ये रहा, और ऐसे जैकेट वैकेट पहना के इन्होंने तैयार कर दिया, हेलमेट वगैरह पहन के। अब हम नीचे उतरेंगे और नीचे हमें मिलेंगे हमारे गाइड, और मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा जब राफ्टिंग कर रहे हो हम, जब बोट में बैठे हो तब भी शॉट ले सकूँ, बट जहाँ पे कम रैपिड्स होंगे वहाँ की ट्राई करूँगा, ज़्यादा रैपिड वाले शॉट्स नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मेरे पास कोई अभी माउंट नहीं है राफ्टिंग से रिलेटेड। तो ऐसे ना आपको ये थोड़ा सा नीचे ट्रैक करके जाना पड़ेगा, एक हल्की सी हाइकिंग है। तो फिलहाल हमारी जो राफ्टिंग है वो शुरू हो रही है शिवपुरी से, 16 किलोमीटर की ये राफ्टिंग है, और लक्ष्मण झूला तक ये करवाएंगे, वहाँ से हमें ये वापस लेके जाएंगे अपनी बुलेरो या फिर किसी जीप में बिठा के, और हमें यहीं पर ही शिवपुरी वापस छोड़ देंगे ये। तो काफ़ी ना स्टेप्स ध्यान से रखने पड़ेंगे क्योंकि देखिए बिल्कुल छोटा सा रास्ता है ये। तुषार पीछे आ रहा है, कम ऑन फास्ट। रैपिड्स देखिए आप कितने ज़्यादा तेज आ रहे हैं। हाँ जी क्या चल रहा है ये? मेक इट ब्रो, सी एनएस। ये हमारे जीजा जी ने अपना नाम और हमारी दीदी का जो है फर्स्ट लेटर यहाँ पे गोद दिया है। ये बन गया एन और ये बन गया एस। सो ये नितिन और संध्या, या नितिन और सनी भी कह सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। Oh my God. It's looking very nice. Now is good, na? अरे ओ दे ओ दे। और ये ओहो, ये बड़े भाई को देखिए हमारे, इन्होंने करी है ना चीज, तो इन्होंने तो पूरा अपना नाम ही लिख दिया संजू, बट संजू बाबा वाले काम नहीं है इनके। सो अभी एक फर्स्ट आप देख सकते हैं राफ्टिंग बोट जा रही है यहाँ पे। चलो टाइगर्स, सो ये हमारे गाइड साहब बैठे हैं, बढ़िया से गाइड कर रहे हैं। आपका नाम? गौतम गोस्वामी। गौतम गोस्वामी जी है ये। कभी अगर आप आए राफ्टिंग करने के लिए इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कांटेक्ट नंबर? 8126494157। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है, आई एम रियली इन्जॉइंग इट विद हिम। तो ये हमारे भाई बैठे हैं, एमपी से है ये, जीजा जी है साथ में। ये आ गया हमारा रैपिड। ज़्यादा उम्दा प्रदर्शन, काफी मजा आया आपके साथ।
फ्रेशर्स तो नहीं लग रहे थे ना? हां अभी हमारा एडवेंचर का लास्ट पार्ट बाकी है। अच्छा अभी एडवेंचर खत्म नहीं हुआ है। अच्छा थोड़ा सा हम लोग फ्रेंड को लॉक करते हैं। तो सभी लोग अपने पैडल को अंदर लॉक करेंगे, थोड़ा सा हेल्प करेंगे, लास्ट एडवेंचर का पार्ट है। तो फिलहाल राम झूले पे आ गए सारी की सारी टीम और यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं काफी। हम देख सकते हैं आप कैसा नज़ारा है गंगा नदी का और चांद की तरह सुंदर लग रहा है देखिए। और ये देखिए गंगा जी के घाट सामने देखिए। तो इससे जस्ट आगे एक लक्ष्मण झूला भी है जो कि पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है और अभी तक मैंने लोकल से सुना है कि यहाँ पर जो दूसरा लक्ष्मण झूला बनेगा वो ये ग्लास का बनाएंगे जैसे हमें बाहर देखने को मिलते हैं। अब जो आगे एक और नया झूला बना है, लास्ट वीडियो में आपने देखा था जानकी सेतु, तो जानकी सेतु भी है यहाँ पर। तो ये जो है ना गंगा नदी के दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं इधर से वहाँ। अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं देखिए, मतलब काफ़ी ओल्ड स्टाइल में बना हुआ है ये देखिए, रोप्स के साथ बना हुआ है और पूरा बाउंस करता है। और ये यहाँ पे बैठे हैं वानर सेना के उस्ताद। सो मंकीज से थोड़ा बच के रहिए, कोई भी हाथ में अगर खाने की चीज़ है आपके तो में भी हो सकता है वो चपट्टा मार सकते हैं। देखिए आप राम से। सो फिलहाल ऋषिकेश में थोड़ा वॉक करने के बाद अब हम निकल दिए दिल्ली की ओर और ये हमारी जर्नी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपने इस वीडियो को देख के एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।